मेरे को ना बहुत टाइम मुझे ना बहुत सोचने को मिला कि भैया आप लोग ये सोचते हो गए, एक्चुअली मैं खुद ये पहले सोचना कि भैया मैंने आज तो सिर्फ हॉल वीडियो ही डाली है, मैंने कोई एमटीज नहीं डाली, मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं डाले, तो आप लोगों को यही लगता होगा ना कि भैया परीदी तो बस क्या कहते हैं खरीदती रहती, इसका सामान खत्म नहीं होता क्या, या ये रीपरचेज तो कर रही होती तो इसका सामान खत्म कौन सा हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसने एक्चुअल में खाली करी है बॉटल एंड फिर ये रीपरचेज कर रही है क्या कर रही है। सो यही सब सोचते से आज से मैं आ गई हूँ, आई बॉट वीडियो जिसमें आई बी शोइंग यू माई एम्प्टीज कि मैंने क्या क्या खत्म करा है, एंड आई बी शेयरिंग कि मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो मैंने क्या उसका दोबारा से नया वर्जन खरीदा या नहीं खरीदा, मतलब उसकी नई बॉटल खरीदी या नहीं खरीदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अच्छा सॉरी हाँ, सो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी तक खाली कर चुकी हूँ, एंड ये दीज आर माई फेवरेट प्रोडक्ट। सो अब क्या करना है, बस वीडियो में चलते हैं। ओके नाउ, अच्छा अब ठीक है, हारा तो मत जाना बिकॉज बहुत टाइम से संभाल के रखा हुआ है, बट दिस क्लेंजिंग ऑयल इज माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट, एंड इसी क्लेंजिंग ऑयल की बात कर रही थी मैं, एंड ऑब्वियसली इसका नया वर्जन मेरे पास, नया वर्जन क्या मतलब न्यू बॉटल है, एंड उसको भी मैं थोड़ा यूज कर चुकी हूँ। सो यू कैन सी ये है वो क्लेंजिंग ऑयल, दिस इज द राइस वाटर ब्राइट लाइट क्लेंजिंग ऑयल, सो दिस इज वेरी लाइट इन टेक्स्चर, मतलब बहुत लाइट है, अगर आपकी ऑयली स्किन है सेंसिटिव स्किन है तो ये बहुत लाइट है, प्लस ये आपके जो पोर्स है उसको क्लॉग भी नहीं करेगा, जैसे ये मेरे स्वॉचेस कर रखे हैं आप खुद देखना, मैं एक पंप डाला उपसी ठीक है, ये डाला, ये देखो मतलब विद इन 2 सेकेंड्स ये देखो सब जग जा गया, सब कुछ स्मच प्रूफ था, ये सारा जो लगा रखा था, अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो आप जाकर देखना इस वीडियो को, सब कुछ वो था, एंड ये देखो सब चला गया, नाउ आई विल जस्ट क्लीन इट अप, ये देखो आराम से क्लीन करके देखो सब चला गया, प्लस ये स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है, ये बहुत लाइट वेट है, एंड इससे क्या कहते हैं पोर्स भी क्लॉग नहीं होंगे, मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, सो दिस इज माय रिकमेंडेशन, प्लीज गेट दिस, प्लीज 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 गेट दिस, ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, एंड डबल क्लेंजिंग तो करनी चाहिए, तो अगर आप रात को डबल क्लेंजिंग भी कर रहे हो उससे बहुत अच्छा क्लेंजिंग ऑयल है, यूज दिस ना, मेरे को आज तक ये क्लेंजिंग ऑयल से मतलब ये वाले क्लेंजिंग ऑयल यूज करने के बाद से मुझे कभी भी एक्नेज नहीं हुए हैं, मेरे को कोई पोर क्लॉग फील नहीं हुआ है, मेरे को स्किन हैवी बिल्कुल फील नहीं होती है, मेकअप यू डर जाता है, मतलब अगर आप से रात को भी जैसे कभी लेट आते हो ना, आप थके होते हो, आपका नहीं मन करता कि आप मेकअप उतारो, आप अगर इसको 2 सेकंड भी कर लो ना करते हुए भी अपने लिए, ये यू निकाल दें, आपको कुछ ज्यादा यू नो रब करने की एमल्सिफाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, एंड मेरे को पता नहीं मैंने इसे कितनी बॉटल्स खत्म कर देती है, मेरी 9th या 10th बॉटल होगी, एंड 3-4 साल तो आराम से होगी क्योंकि मैं यही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, नहीं 3-4 साल में 10 बॉटल है, नहीं ओके हाँ बट हाँ, एंड ये प्रोडक्ट ऑनेस्टली इतना अच्छा है, मुझे खुद को नहीं पता मैं कब से ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, आई थिंक जब से मैंने मेकअप समझा है, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, मैंने स्किन केयर समझी है, सब समझा है, तब से मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, एंड आई नेवर एवर गोना गिव अप दिस प्रोडक्ट एट लीस्ट, तो ये तो मेरी तरफ से मस्ट बाय की प्लीज ले लो, एक बार मेरी रिकमेंडेशन से ले लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर प्रोडक्ट, ये है मिल्क शेक की विप क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है, मतलब ये मैंने अपने सलोन पे इंट्रोड्यूस करी थी इसको, एंड इतनी अच्छी कि मैं क्या बताऊँ, आप इसको एज अ नाइट मास्क यूज कर सकते हो, नाइट हेयर मास्क, आप इसको कॉम करने से पहले यूज करो, आपको मतलब आप इसको यूज करोगे ना आपको खुद डिफरेंस लगेगा, वाई बिकॉज एक तो आपके बाल बहुत अच्छे स्मेल करेंगे, बहुत अच्छी स्मेल करती है एक्चुअल में, यू नो स्मेल ही ऐसे करती है कि आपने वनीला वाली विप क्रीम अपने बालों में लगा रखी, जो हम खाते हैं या जो हम वैसे, ये खाने वाली नहीं है, खा मत लेना कभी पता चले, बट हाँ ये बालों के लिए है, एंड इट्स सो गुड, बालों को इतना हाइड्रेटेड कर देती है, इतना स्मूथ और शाइनी कर देती है। अब इसका होता क्या है ना कि आपने अपने बालों में जैसे लगाया थोड़ा सा इसको, एंड आपने 2 मिनट के लिए बस छोड़ा, तो अगर आपके नॉट से कुछ भी बने होंगे ना, ये इतना स्मूथ कर देगा कि उसके बाद आपका ब्रश एकदम स्मूथली आपके बालों में से निकलेगा, तो अगर नॉट्स नहीं है, नॉट्स होते तभी हमारे बाल टूटते हैं, और तभी बाल खिंच के हमारे ब्रेकेज होती है, हेयर फॉल होती है, बाल टूटता है क्योंकि ड्राई है, यू नो नॉट्स बनी हुई है, बट जब आपका कोई हमने उस सर्फेस को आप मानो चिकना कर दिया, ठीक है, एक तरीके से स्मूथ कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है, और उसमें कोई नॉट्स भी नहीं रही, तो ऑब्वियसली बात है जब आप उसमें से कुछ भी फेरोगे, आप अपनी कॉम फेरोगे उस पर से, या अपने बालों में से आप अपने कॉम फेरोगे, तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो इतने प्यार से निकल जाएगा, और जब कुछ चीज खींचेगी ही नहीं, जब आप कुछ खींच नहीं रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा ना, ब्रेकेज होगी, हेयर फॉल होता है स्कैल्प से, बट ब्रेकेज होती है बीच में से, बट कुछ भी तरीके से आपका बाल नहीं टूटेगा, आपके कॉम में बाल नहीं आएगा, एक दो बाल आना इज ओके,
इतना तो आएगा ही, कोई भगवान नहीं हो कि एक भी बाल नहीं टूटेगा। हाँ बट एक दो बाल तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन जैसे पहले अगर सिवियर आपका बाल टूट रहा है या दर्द होती है जब आप नॉट्स खोलते हो, तो ये उसको रिजॉल्व करती है। प्लस ये आपका नाइट मास्क का भी काम करेगी, हेयर का नाइट मास्क। एक मिनट, सॉरी, हेलो बैक, सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था, मैं भूल गई मैं क्या प्रोडक्ट दिखा रही थी। आई थिंक आई वॉज शोइंग यू द मिल्कशेक। तो ये मेरा नया वर्जन है, इसकी कैप मैंने घुमा चुकी हूँ, बट ये मेरा पुराना वर्जन है। मैं इसकी कैप इस पर लगा देती हूँ ऑनेस्टली, बट ये देखो ये ना ऐसे निकलती है, मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखो ऐसे आती है, ये ऐसे आप थोड़ी सी, मतलब मैंने बहुत थोड़ी लिया दिखाते हुए, एंड आप इसको ऐसे बालों में लगा लो। एंड ओ माय गॉड, स्मेल तो बहुत अच्छी है, ऑनेस्टली स्मेल बहुत अच्छी है। प्लस ये आपके बालों को ना शाइन भी दे देगी और एक हाइड्रेशन भी दे देगी। तो आप जब कॉम करोगे, अभी तो मैंने स्टाइल थोड़े से ब्लो आउट कर रखा है तो मैं नहीं करना चाहती, बट हाँ आप इसको नाइट मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आप जैसे रात को सोते हो तो आप इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से अमाउंट में लगा के आप इसको लगा लो, और फिर आप सो भी जाओगे तो जो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होती है ना आपके पिल्लो की वजह से, वो ज़्यादा आपको क्रिएशन नहीं होगी उसकी वजह से। तो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, आई रिकमेंड यू बाइंग दिस ऑल्सो। एक मिनट, हाँ ये खाली है, देख सकते हो, सुन सकते हो, इसमें से आवाज़ आ रही है, इसमें से आवाज़ नहीं आ रही। तो ये वाला है, तो मैं इसको रख रही हूँ वापस, इसी की कैप लगा ली मैंने। हाँ एंड ये वाला मैं फेंक दूंगी, आई डंप दिस आउट, सारी प्रॉब्लम्स ठीक है। नाउ आई एम कमिंग अप विद दिस वन, ये है कॉसरेक्स का ही AHA BHA क्लैरिफाइंग ट्रीटमेंट टोनर। ये बहुत अच्छा है, इसकी मैंने एक और बॉटल, ऑनेस्टली कह रही हूँ मैंने इसकी एक और बॉटल यूज़ कर रखी है, ये मेरी दूसरी बॉटल थी, एंड मुझे अच्छा लगा ये काफ़ी, यू नो बस एक तो होता है बेस्ट पार्ट है कि स्प्रे बॉटल हो, वैसे स्प्रे 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 जल्दी से कर सकते हो अपने फेस पे। प्लस ये एक्शन में आपके, अगर आपको पिगमेंटेशन है या एक्ने स्कार्स वगैरह है, इसने मुझे उसमें काफ़ी हेल्प करा है टू रिड्यूस दैट स्कार्स एंड एक्ने। सो दिस इज़ वन ऑफ अ गुड टोनर, आप इसको बाय कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। कॉस्मेटिक के ऑलमोस्ट जितने प्रोडक्ट्स मैंने आज तक यूज़ करे ना, सारे बहुत अच्छे हैं। अभी एक और प्रोडक्ट है, क्योंकि वो मुझे दिख गया तो मैं आपको बताऊंगी, हाँ एक और प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट ट्रस्ट में आप ये खरीद सकते हो। ये पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, ये देखो कहीं से स्प्रे नहीं आएगा, कहीं स्प्रे नहीं आ रहा, खाली है, अगर देखोगे ना खाली है, पूरी खाली है बॉटल। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको जेन्युइनली उतना अच्छा रिव्यू मिले। नाउ आई एम कमिंग, ये है मिल्कशेक का ही शैम्पू एंड मास्क। सो दिस इज द मिल्कशेक का इंटेग्रिटी नरिशिंग शैम्पू, ये वाला। सो दिस इज फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड दिस इज जनरली दिस इज फॉर नरिशिंग। तो शैम्पू का काम क्या होता है कि शैम्पू करता है कि आपके स्कैल्प में से जितना भी डर्ट होता है, पोल्यूशन होता है, ऑयल होता है, ये उन सबको निकाले। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है उसके लिए। प्लस ये आपको स्कैल्प को या बालों को ड्राई भी नहीं छोड़ता है, एंड क्या कहते हैं, ये बहुत कैसे बताऊँ, बहुत माइल्ड है एक तरीके से, बट इसका काम बहुत अच्छा है। अगर आप वैसे देखो तो ये सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री भी है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री, इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख पाओ तो सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री। एंड इसका ये इंटेग्रिटी ट्रीटमेंट इंटेंसिव ट्रीटमेंट मास्क है। तो इसका है क्या, इसका शैम्पू आता है, कंडीशनर आता है, और ये ट्रीटमेंट मास्क आता है। सो ये मैं अपने सलोन पे भी रेकमेंड करती हूँ ये प्रोडक्ट्स। एंड इसका होता क्या है ना कि जो इसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, इट इज़ अ डीप ट्रीटमेंट मास्क फॉर ऑल हेयर टाइप। तो मतलब इन द सेंस, जैसे आप सलोन जाते हो, आपने ट्रीटमेंट लिया, बट अब अगर आपको उस ट्रीटमेंट को मेंटेन करके रखना है, या आपने आपको घर को एक मिनी ट्रीटमेंट देना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड ये काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा आपके बालों को रिपेयर करने में और उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए। सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। आप इसका, अगर आप इसकी प्रॉपर रेंज यूज करो ना, शैम्पू कंडीशनर एंड आप यूज़ करते रहो, फिर आप जैसे वीक में एक बार या दो हफ्तों में एक बार आप इसको यूज़ कर लो एज अ ट्रीटमेंट। प्लस अगर आप इसका यूज़ करो मिल्कशेक का ही विप क्रीम, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, आपकी प्रॉपर एक हेयर केयर रेंज बन जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आप ऐसे प्रॉपर रेंज यूज़ करते हो। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं बोटॉक्स करने के बाद, नैनोप्लास्टी करने के बाद यही रेंज सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज इसमें एक्चुअल में मैंने रिजल्ट्स देखे हैं एंड क्लाइंट हमेशा खुश हुआ है। एंड मेरे पास जिस क्लाइंट को मैं ये प्रोडक्ट दे देती हूँ ना, वो क्लाइंट मेरे पास वापस ही आता है, क्योंकि एट दिन उनका बाल अच्छा हो रहा है ना, उनको क्या, उनको तो बाल अच्छा करना है, बाल हेल्दी करना है, रिपेयर करना है। तो जब उनको दिख रहा है कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं करेंगे यूज। तो दिस इज लाइक माय फेवरेट रेंज, अगर आपको लेना है यू कैन बाय इट फ्रॉम माय स्टूडियो, विल गिव यू नाइस डिस्काउंट, इस पे नाइस अच्छी डिस्काउंट चल रही है एंड कुछ डील भी चल रही है, तो यू कैन बाय फ्रॉम आर माय स्टूडियो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। नाउ माय फेवरेट, अब इससे ऊपर क्या होता है, एक तो मिल्कशेक है ही है मेरे स्टूडियो पे, दूसरा ब्रांड जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इज ओलाप्लेक्स। सी
दिस इज द ओलाप्लेक्स नंबर 4, दिस इज द नंबर 5, दिस इज द शैम्पू, दिस इज द कंडीशनर एंड आई लव ओलाप्लेक्स. इसका ट्रीटमेंट मास्क भी मेरे पास यही रखा हुआ है. ये रहा इसका नंबर 3, ये देखो नंबर 3 ये रहा होम ट्रीटमेंट मास्क. मतलब मुझे ये अच्छा ओलाप्लेक्स का ये रहा. ओलाप्लेक्स का मेरे पास 7 नंबर ऑयल्स, नंबर 7 जो है बॉन्डिंग ऑयल वो भी है. तो मुझे ऑनेस्टली ओनेस्टली ओलाप्लेक्स तो बहुत ही पसंद है, ये तो आपको दिख गया है. अब मैं समझ सकती हूँ बहुत लोगों को लगता है कि ये ना थोड़ा प्राइसी पॉइंट पर है तो हर महीने इतने पैसे शैम्पू मास्क पे इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट या स्पेंड करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. बट लेट मी टेल यू कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप अपने बालों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप अपने लिए ही कुछ कर रहे हो. बट ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा है, ये ऑल हेयर टाइप के लिए है. आप कुछ भी करा लो, मतलब आपने कलर कराया हो, आपको बोटॉक्स कराया हो, नैनोप्लास्टी करा रखा हो, हेयर लैमिनेशन करा रखा हो, कुछ भी करा रखा हो, आप उसके बाद ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो. प्लस ये आपके बालों को रिपेयर भी करता है, स्ट्रेंथ भी करता है और नरिश भी करता है. इट्स अ गुड थिंग. नाउ यू से कि मैंने इसका यूज कर रखा है या नहीं कर रखा है, या मैं इसको करती हूँ या नहीं करती हूँ. एंड यू कैन सी हेयर इट इज, ठीक है, ये खत्म हो चुका है. इसमें भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, कंडीशनर में मैंने पानी मिला रखा है ताकि मैं वैसे यूज कर सकूँ इसे. सो हाँ, तो ये रहा, ये देखो. मैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली बता रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको ट्राई एंड टेस्ट कर रखा है, तभी मैं बता रही हूँ. एंड ओलाप्लेक्स इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई एंड टेस्ट किया, मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ इसको. ये मेरी वैनिट, मतलब मेरी मेरे वॉशरूम में, मेरे स्टोर पे हमेशा रहता ही है. एंड ये देख सकते हो आप, एक्चुअली मैं यूज़ कर रही हूँ 4 और 5 नंबर, 3 नंबर भी. एंड तभी मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है. अब आपको ये लगता होगा कि यार ये ना, आई गेस इसकी रेंज अराउंड 2 या 3,000 की, 22 तो नहीं है, बट हाँ इट इज़ अराउंड 3,000 का शैम्पू और 3,000 का कंडीशनर. अब हमें लगता होगा कि यार 3,000, 6,000 शैम्पू और इस पे हमें नहीं स्पेंड करना. बट आप एक पहली बात ये है कि ना बहुत लंबे टाइम चलता है. प्राइसिंग है इसकी, आई एग्री, बट इसका ये रहता है कि ये मुझे जैसे अगर नॉर्मल मेरे को शैम्पू और कंडीशनर जो है 1.5 महीना चलता है, तो ये मुझे 2 महीना 2.5 महीना आराम से चल जाता है. बिकॉज इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी ना बहुत लंबे टाइम चलती है, तो इवेंचुअली प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम चल रहा होता है. हाँ, ये हो सकता है कि आपको जैसे आपको शैम्पू है, शैम्पू तो आपका 2 महीने 2.5 महीने कहीं नहीं गया, आपको कंडीशनर दोबारा से एक और लेना पड़ सकता है. बट अगर आप वैसे देखो, आपको एक तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लाइक ऑब्वियसली बिकॉज रिपेयरमेंट वाला सब कुछ है और कुछ भी करा रखा हो, आप इसको यूज कर सकते हो. तो आपको बार बार हर सर्विस के हिसाब से चेंज नहीं करना पड़ेगा शैम्पू और वो. कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि हमने केराटीन कराया तो हम केराटीन का शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रहे हैं, हमने बोटॉक्स कराया तो उसके बाद का हम यूज कर रहे हैं. नहीं, आप इसको भी यूज करोगे तो, मतलब आपने कोई भी सर्विस ले रखी हो, आप इसको यूज कर सकते हो. प्लस ये आपको काफी लंबा टाइम चलता है, ये आपको कम से कम 2.5 महीने तो आराम से चल जाता है. मेरे लेंथ में मेरे बाल जैसे है, मुझे ये 2.5 महीने चल जाता है आराम से, 3 महीने भी हो जाते होंगे, 2.5 महीने तो आराम से चलता ही है मेरा, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती. शैम्पू मेरा उससे ज्यादा टाइम चलता है, बट आई गेस 2-2.5 महीने बाद मुझे मास्क जो है, कंडीशनर जो है, वो एक नया लेना पड़ता है. एंड ये रही इसकी बॉटल, पुरानी वाली, ये रही नई वाली. एंड ये जेन्युइनली बहुत अच्छे है. सो अगर देखो, आई कैन जस्ट से दैट कि अगर आप अपने बालों पे या अपने आप पे कुछ स्पेंड करते हो ना, तो एक तरीके से आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को. तो चाहे जब आप स्किन केयर प्रोडक्ट लो, चाहे आप हेयर केयर प्रोडक्ट लो, अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा काम करता है या आपकी स्किन पे अच्छा काम कर रहा है या कुछ है, तो हिचकिचाओ मत, आप खरीद लो. हाँ, कभी कभी होता है कि लोगों के हाथ टाइट होते हैं, लोग इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो इतना जरूरी कि आपको वही लेना है, अगर आपको कुछ और आपको अपनी रेंज में मिल जाता है तो हाँ, मतलब आपको पॉइंट समझ आ गया कि जरूरी नहीं है. बट अगर ये है कि अगर आप स्पेंड कर सकते हो ओलाप्लेक्स पे तो जरूर करो. बट ठीक है, मेरे पास भी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो ओलाप्लेक्स पे नहीं स्पेंड करना चाहते, तो अगर आप उस पर स्पेंड नहीं करना चाहते, आप मैंने आपको मिल्शे का इंटेग्रिटी वाला बताया, ये भी काफी अच्छा है. बट ये है कि प्लीज अपना हेयर टाइप देख के ही चीजें खरीदा करो. मैं इतना जरूर सजेस्ट करती हूँ. तो मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने हेयर, अगर आपको कोई भी हेयर का प्रोडक्ट लेना है, सो फर्स्ट अपना एक बार हेयर दिखा दो, अपना हेयर कंसर्न बताओ, अपनी चीज बताओ, एंड फिर हम आगे सजेशन देते हैं. बट हाँ, ओलाप्लेक्स इज अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन बाय इट. इसकी किट भी आती है जिसमें नंबर 0 है, 3 है, 4 है, 5 है, दैट इज द स्मॉल वर्जन, तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द हेयर ऑयल. तो मैंने ना ये मिली का हेयर ऑयल ट्राई करा था, ये ऑल ओवर द इंस्टाग्राम तो भी है ही है, एंड द रिजल्ट्स आर, बता दो, खुद बता दो अगर जानते हो तो. ऑब्वियसली रिजल्ट्स आर अमेजिंग, तभी मैंने इसकी दूसरी बॉटल खरीदी है. एंड थोड़ा
प्राइसी पॉइंट पर है ये, मतलब ये इंडिया में तो डायरेक्टली अवेलेबल है नहीं, मैंने अमेजोन से भी ट्राई करा है, बट मुझे कभी लगता है कि पता नहीं कि सही आया है या नहीं आया है। मतलब मैंने पहला जो अपना ये वाला लिया था ये अमेजोन से लिया था, फिर मैंने दूसरा भी ले रखा है एक्चुअली। सो जो मैंने एक में दिखा था, हाँ सो मैंने जो पहला लिया था ये मैंने अमेजोन से लिया था, तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। बट उसके बाद मैंने ना दो पीस ऑर्डर करे, एक मैंने अमेजोन से लिया है और दूसरा मैंने एक पेज है मेकअप एंड यू करके, उनसे ये लिया है। बिकॉज मेकअप एंड यू पर मुझे 100% भरोसा है कि भैया उस पर प्रोडक्ट जो है ओरिजिनली आते हैं। तो इस बार जो अमेजोन से आया था ना उसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि उसमें स्मेल की चेंज थी जो था, एंड मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं यार इस बार सही प्रोडक्ट आया नहीं आया या डुप्लीकेट आ गया, कैसा क्या हुआ है चेक करने के लिए। क्या कहते हैं उस टाइम पे मेकअप एंड यू जो है उन्होंने भी ये इसको स्टॉक करा था, तो मैंने एक ऑर्डर करा। ये कॉस्टेड मी फॉर 1800-1900 अराउंड, मतलब 2000 के आसपास का पड़ा है मुझे, 2000-1800-1900 इतने तक का ही पड़ा है। हाँ तो ये मैंने लिया था, तो मुझे अभी तक डिफरेंस तो समझ आया नहीं, बट थोड़ा हल्का फुल्का मुझे ना स्मेल में लगा कि चेंज है। एंड जो मैंने अमेजोन से लिया था वो मुझे 1100-1200 का पड़ा था, बट अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बट मैंने ये है कि रिजल्ट तो मैंने देखे हैं, तो मैंने अब क्या करा, ऑब्वियसली मैं इसको ख़राब तो जाने नहीं दूंगी जो मैंने अमेजोन से खरीदे, तो मैंने दोनों को ना मिक्स कर दिया कि जो सही वाला है वो मैंने उसमें भी डाले और वो उसमें भी डाल दिया कि मेरा यूज़ हो जाएगा किसी ना तरीके से। बट ऑनेस्टली प्रोडक्ट अच्छा है अगर आप जेनुइन वाला ले रहे हो, बिकॉज मैंने ना एक जेनुइन बॉटल अलग से रखी हुई है, क्या कहते हैं, हाँ मैंने एक जेनुइन बॉटल अलग से रखी हुई है, एंड उसका जब मैंने जेनुइन वाला यूज़ करा था ना तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो आई लव इट। मतलब अगर आपको है कि आपको हेयर ऑयल करना है, वैसे हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, अच्छा तो वैसे हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, एंड अगर आपको है कि आपको एक अच्छा हेयर ऑयल यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दिस, ये काफ़ी अच्छा है। नाउ ओके दिस वन, भैया ये बहुत गंदी बॉटल्स हो रखी हुई, इतने टाइम से पड़ी हुई है। नाउ दिस इज़ द स्नेल म्यूकिन पावर एसेंस फ्रॉम कॉस्टरेक्स अगेन। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये सबका एक फेवरेट बन रखा है एंड मेरा भी फेवरेट बन रखा है काफ़ी। हाँ एंड ये देख सकते हो, ये री दिखा देती हूँ, रुको, पुरानी बॉटल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको क्लोजअप ला के दिखाऊँ, तो आप दूर से देख लो, ये री खाली बॉटल एंड ये री भरी हुई बॉटल, एंड ये री इसका एडवांस वाले का जो अपग्रेडेड वर्जन आया डुअल वाला, प्लस मेरे पास इसकी एक और बॉटल अभी सील्ड पैक रखी हुई है, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा स्टॉक रहता है इसका। एंड इस प्रोडक्ट को ऑनेस्टली कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ना मैं अभी दूंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बट इसलिए भी नहीं, बट वीडियो लंबी हो रही है, बट हाँ कि ये प्रोडक्ट है जो है ना आपको पता है इसके बारे में, एंड ये तो आपको ट्राई एंड टेस्ट करना ही चाहिए। नाउ कमिंग ऑन, ये एक मेकअप का प्रोडक्ट है, चार्मसी का फाउंडेशन है ये, एंड दिस इज इन द शेड 02। इट इज़ सो गुड, आई मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट ये बहुत अच्छा है, इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेटेड है, इसकी फुल कवरेज है, प्लस इसकी स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है, ऑक्सीडाइज नहीं होता उतना, बट आई लव इट। मतलब जिस पॉइंट पे है ना, जैसे 1000 रुपये का, 1000-1200 रुपये के आसपास का पड़ेगा, बहुत अच्छा। देन कमिंग ऑन, आई हैव दिस ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड सीरम, इसको भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। अब मैं बॉटल ढूंढने बैठूँ तो मेरे पास है इसकी बॉटल भी, ये ख़त्म हो चुकी है, इसकी मेरे पास 2-3 बॉटल पड़ी हुई है, मैं हर टाइम इसको यूज़ करती रहती हूँ, एंड नायासिनामाइड इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, बट ऑर्डिनरी का जो नायासिनामाइड है वो बहुत अच्छा है, सो यू मस्ट बाय दिस प्रोडक्ट। मतलब अगर आप स्किन केयर शुरू कर रहे हो ना, ये तो ऐसे प्रोडक्ट्स है कि आप आँख बंद करके इनको ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। जैसे ऑर्डिनरी का हाइलोरॉनिक एसिड भी मुझे पसंद है, बट अगर आपको ऑर्डिनरी का नहीं है तो जैसे ये है, ये भी है मेरे पास, ये है लॉरियल का रिवाइटल लिफ्ट हाइलोरॉनिक एसिड, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आई गेस द ऑर्डनरी वाला है वो 1% है, ये 1.5% हाइलोरॉनिक सीरम है, आई एम नॉट श्योर, आई एम ऑनेस्ट, बट हाँ बट दोनों के ही हाइलोरॉनिक बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये है ये भी इसके, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मुझे दोनों ही अच्छे लगे हैं। हाँ आई ऑल्सो यूज दिस इंडी वाइल्ड का, क्या कहते हैं, ऑयल, द नाइट ऑयल, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड मतलब मेरी बॉटल ना ऐसी हालत नहीं हो रही कि मैं इसको कैमरे पे दिखाऊं और बोल, बिकॉज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे हो रहा है कि मैं बस इनको फेंक दूं जाकर, सो इसलिए हाँ। सो नाउ आई हैव दिस ऑल्सो, बिकॉज मैंने अभी हेयर स्टाइलिंग करी है इसलिए मेरे पास रखा हुआ है ये, तो मेरे पास है ये वाला, ये है लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई गेस ऑयल, दिस इज अ सीरम विथ 6 प्रेशियस फ्लोरल ऑयल्स, सो ये बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो, छोटा वर्जन ले रखा है मैंने, एंड ये रहा इसका बड़ा वर्जन, एंड वो भी आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है, ये देखो दिख रहा है, आधे से ज़्यादा खाली होता हुआ,
ये भी आधा ज्यादा खाली हो चुका है, तो पहले छोटा वर्जन यूज करा, अच्छा लगा तो बड़ा वर्जन यूज करा, है ना, बड़ा वर्जन दूंगी। अब वही मैं बात कह रही हूँ कि अगर अब आपको जैसे माइट बी कि आपको ओलाप्लेक्स का ऑयल नहीं लेना बिकॉज ये है कम से कम 2-3 हज़ार का, फिर से आप उसकी जगह आप ये ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब इसका ये है कि ये एक हीट प्रोटेक्टेंट है, इसमें बाल उतना ऑयली नहीं है, ये बहुत लाइट वेटेड है, ये थोड़ा सा थिक है, ये प्रॉपर सीरम बेस्ड है, बट क्या कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ड्रग स्टोर ऑप्शन आप ये ले सकते हो। एंड इसको गीले बालों में लगाना, ड्राई बालों में आप नहीं लगा सकते, जैसे ये वाला है, ये अगर मैं ड्राई बालों में भी लगाऊँ तो ये इतना यू नो स्टिकी स्टिकी नहीं करेगा बालों को, बट अगर इसको ड्राई बालों पे लगा दो और थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो ये स्टिकी कर देगा और बालों को ऑयली कर देगा, ये नहीं करेगा। बट अब यही है कि मैं कंपैरिजन बता रही हूँ कि ठीक है ड्रग स्टोर में भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट यूज़ करने का ना तरीका आना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट यूज़ करने का तरीका आता तो आप हर अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बट हाँ उसका है कि प्लस पॉइंट्स है उसके, तभी वो उस वैल्यू पर है, ठीक है। बट ये भी है, ये भी अच्छा है, एंड इसका भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये रहा छोटा वर्जन, ये रहा बड़ा वर्जन, एंड मैंने खरीदा है, बाय गॉड खरीदा है, ठीक है। आप और कुछ ज्यादा है नहीं, आई हैव जस्ट टू प्रोडक्ट्स लेफ्ट। मैं हाँ ये था, सो ये था न्यूट्रोजेनो का ब्राइट बूज जेल क्रीम, इट वॉज ऑल्सो गुड, ये मतलब मुझे ना मिनी साइज में मिली थी, एंड पता नहीं किस चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आई थी, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। आई एम नॉट श्योर वेदर आई बी बाइंग अ फुल साइज और नॉट बिकॉज मैंने नहीं खरीदा तो मैं नहीं दिखा रही, बट मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो अगर आपको न्यूट्रोजेनो के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं आप ये ले सकते हो, जैसे उसका मुझे हाइड्रो वाली जो रेंज है उसका मैंने ट्राई करा था, मुझे अच्छी लगी थी। जेल का मैंने अभी ना मतलब ब्राइट वाली जो पिंक वाली उनकी रेंज आई है नहीं, मैंने उसके सारे प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करे, ये मुझे बस कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था तो मैंने इसको यूज़ करा, ये अच्छा है, एंड बस। बट दिस इज वन प्रोडक्ट जो मेरा कल फेवरेट बन चुका है, दिस इज कल फेवरेट तो नहीं मतलब मेरा फेवरेट बन चुका है, कल का तो पता नहीं, बट दिस इज द क्या है, दिस इज द एडवांस है ग्रोथ सीरम, एंड एक्चुअल में मैं इसको यूज़ करती हूँ, मेरे पास 2-3 बॉटल्स ऑलरेडी पड़ी हुई है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड एक्चुअल में मैंने रिजल्ट देखे हैं, मतलब मैं प्रॉपर फॉलो करती हूँ इसको, एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड बाय, यू मस्ट बाय दिस। एंड पिलग्रिम पे सेल लग रही होती है बाय वन गेट वन, तो आप उस टाइम पे खरीदा करो बिकॉज मैं उस टाइम पे रिस्टॉक करती हूँ ना, तो मुझे ऑब्वियसली फायदा ही मिल जाता है बिकॉज मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद है, एंड मेरे को उसके एक ही प्राइस पे जब 2 बॉटल्स मिल रही तो मैं क्यों ही छोड़ूंगी, है ना। सो दैट्स इट, एंड मेरे को रियलाइज हो रहा मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे प्यास लग गई है, बट That's it, that's the video, and I hope you enjoyed this. आपको मेरे recommendations अच्छे लगे होंगे, एंड मैंने आपको genuinely दिखाया कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ कि मैं repurchase कर रही हूँ तो मतलब मैं repurchase कर रही हूँ सच्ची में, and हाँ that's it. अगर आपको video अच्छी लगी हो like this video, share this video, and अगर आपको कोई product आपने खरीदा हो, आपको मेरी कोई recommendation अच्छी लगी हो, please let me know. मुझे मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा यू नो रेकमेंड करा है आपको, एंड अगर आपको कोई और ऐसी वीडियोस देखनी हो या कोई भी वीडियो देखनी हो किसी पर्टिकुलर यू नो सब्जेक्ट के ऊपर, सो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड आई विल शेयर, मतलब मुझे अगर कोई किसी चीज़ की नॉलेज है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उस बात को, एंड या जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज परिधि बख्श ऑफिशियल, एंड मेरे स्टूडियो का हैंडल है @hues_by_paridhibakshi, दैट HUES ह्यूज, ह्यूज मीन्स कलरफुल, सो ह्यूज बाय परिधि बख्शी, एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल बटन कि अगली बार मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।